विवेक और नेहा, उनकी प्रेम कहानी एक असली कहानी थी जो दर्द से भरी थी। विवेक एक सिंपल लड़का था जो अपने सपनों की दुनिया में जीता था। उसका दिल तब से नेहा पर आ गया था जब वो पहली बार उन्हें स्कूल में देखा। नेहा एक सुंदर लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट हर किसी को दीवाना बना देती। दिन गुजरते गए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। पर जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। विवेक के घर में बहुत परेशानी थी जो उसके सपनों को दबा देती थी। उसकी माँ की बीमारी ने उनके परिवार को और भी कमजोर कर दिया। नेहा का घर अमीर था लेकिन उसने कभी अपने आप को अमीर नहीं समझा। उसने विवेक को कभी भी उनके काम के लिए नहीं छुआ, बल्कि उसने हमेशा प्यार और सम्मान दिया। दोनों में गहरा प्यार था। अपनी जिंदगी हंस के जी रहे थे। एक दिन जिंदगी ने एक अचानक मोड़ लिया। विवेक की माँ की बीमारी और परेशानी उसकी जिंदगी में अंधेरा ले आई। उस दिन विवेक ने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, नेहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत गरीब घर का हूँ और मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। नेहा, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, विवेक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी तकलीफों में भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन विवेक के दिल में एक अंधेरा छा गया। उसने समझा कि उसका प्यार नेहा को खुश नहीं रख सकता। उसने मुस्कुराकर कहा, नेहा तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें एक बेहतर जिंदगी का सहारा चाहिए। ऐसा कहकर विवेक रोता हुआ अपने घर चला गया और नेहा भी घर आ गई। विवेक ने नेहा के बीच दूरी बनाने के लिए उस शहर को छोड़ दिया और एक दूसरे की याद बन गए। दिल को छू जाता है जब प्रेम कहानियां ऐसी दुख की दास्तां बन जाती हैं। विवेक और नेहा की प्रेम कहानी सच में असली और दिल को छूने वाली थी, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान ने उन्हें अलग रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें।